हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। वेलकम बैक टू योर एक्सेलेंस, दिस इज हिरॉक सर, योर केमिस्ट्री फैकल्टी, एंड टुडे वी विल गेट टू लर्न अबाउट अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है हाउ टू डिटरमाइन द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ क्लास 11। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि यहां पर हम डिटरमाइन करेंगे शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। शेप तो डिटरमाइन करेंगे, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बोन एंगल और डायग्राम। मतलब शेप तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बोन एंगल और हर एक मॉलिक्यूल को कैसे हम डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर अगर शेप तुम लोगों को चाहिए तो पहले इस चार्ट को तुम्हें अच्छे से याद रखना है। ओके, तो तुम्हारे सुविधा के लिए मैंने ये चार्ट इधर बनाए। तो ये चार्ट को अच्छे से तुम्हें समझना है, इसको याद रखना है। तो चलिए चार्ट में है क्या वो पहले कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या ये चीज। तो यहां पर जैसे कि तुम लोग यहां पर देख रहे हो, यहां पर मैंने लिखा टाइप, यहां पर एग्जांपल, यहां पर शेप और यहां पर बोन एंगल, जहां पर कुछ डायग्राम मैंने शो किया है। तो पहले इस टाइप में मैंने कुछ AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 ऐसे करके लिखा है। इसका मतलब क्या है अभी समझाते हैं। देखो AB, पहले इसको समझो, A एंड B आर डिफरेंट एटम्स। तो जैसे कि हम सबको पता है कि एक मॉलिक्यूल में क्या रहता है, दो या फिर उससे ज्यादा एटम रहते हैं। तो यहां पर मैंने सिर्फ दो एटम वाले मॉलिक्यूल को ही मैंने डिस्कस किया। तो यहां पर ए एंड बी क्या होगा, दो अलग अलग एटम जो एक मॉलिक्यूल या फिर एक कंपाउंड के अंदर रहेगा। तो ए एंड बी, तो यहां पर देख लो यह एग्जांपल, ये एग्जांपल जस्ट मैंने इसलिए शो किया ताकि तुम लोग एक रिलेशन बना सको, ये तुम्हें अच्छे से दिमाग में घुस सके कि हाँ मैं इसकी बारे में बोल रहा हूँ। ये तो खाली टाइप है, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल ये सब है। तो देखो AB2, तो ए यहां पर क्या है, अगर रिलेट ठीक से करोगे तो ये अच्छे से तुम्हें पता लगेगा। ए क्या है, बेरिलियम, एंड बी क्या है, क्लोरीन। बी के नीचे दो है तो क्लोरीन के नीचे दो, तो ऑब्वियसली BeCl2 जिसका नाम है बेरिलियम क्लोराइड, ये आएगा AB2 टाइप के अंदर। तो इस तरीके से हमने टाइप लिखा और उसके साथ साथ उसके रिलेटेड एक एग्जांपल दे दिया ताकि अच्छे से तुम लोग समझ जाओ BeCl2। अब अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड AB2 टाइप से बिलोंग करेगा, AB2 टाइप को रिलेट करेगा, तो उसका शेप होगा लीनियर। ये याद रखने वाली बात है, शेप होगा लीनियर। एंड वही लीनियर शेप तो हमने याद कर लिया लीनियर, लेकिन अगर कोई ये पूछे कि BeCl2 का डायग्राम कैसा है, ये BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड दिखने में कैसा है, तो उसको हमने ऐसे शो किया। तो बेरिलियम बीच में रहेगा, क्लोरीन, दो क्लोरीन Each side of beryllium रहेगा। Beryllium के left side में chlorine और right side में दूसरा chlorine, तो हो गया Cl2 और beryllium बीच में। तो अगर कोई भी molecule AB2 type से belong करेगा, तो इसका shape ऐसा होगा। और इस shape का नाम है linear। तो यहाँ पर मैंने पूरा A to Z जितना भी इस topic से question आ सकता है, सभी को मैंने include किया। अब देखते हैं इसका बोन एंगल। जैसे कि तुम लोग यहां पर देखो, बेरिलियम एंड क्लोरीन, दो क्लोरीन बेरिलियम के दो अलग अलग साइड है, ऑपोजिट साइड में है। तो इस मॉलिक्यूल का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली दिस इज फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस, दिस इज 180 डिग्री बनेगा बिकॉज ये बन गया लीनियर शेप। ओके, सो ऑब्वियसली बोन एंगल In this type of compound AB2 is 180 degree। तो shape के साथ साथ मैंने bond angle को भी diagram
शो किया, बस इतना ही हमको याद रखना है एज पर क्लास 11 स्टैंडर्ड। तो चलो हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे रखें, बेरिलियम, तो जो येलो वाला बीच में है वो हो गया बेरिलियम, और दो व्हाइट जो दोनों साइड है बेरिलियम का वो क्या है क्लोरीन। तो इसका शेप क्या बन गया, लीनियर, जिसका बॉन्ड एंगल 180। तो इस तरीके से बेरिलियम क्लोराइड दुनिया में रहता है। बस अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो कि है AB3 टाइप का। तो चलिए देखते हैं हम इस एग्जांपल ये AB3 को बिलोंग करते हैं। तो AB3 टाइप से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल यहां पर दिया है जिसका नाम है BF3, जिसको बोला जाएगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। तो यहां पर अगर ठीक से रिलेट करोगे तो तुमको ये दिखेगा, ए मतलब यहां पर बोरोन, बी मतलब फ्लोरीन, और नीचे बी के नीचे 3, तो बी यहां पर था फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के नीचे 3। सो BF3 विल लाई ऑन दिस साइड AB3। सो अगर AB3 टाइप से कोई भी मॉलिक्यूल बिलोंग करे तो उसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसको हमें याद रखना है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल AB3 टाइप से बिलोंग करता है तो उसका शेप बनेगा, उसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और इसी शेप को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, बोरोन बीच में और 3 फ्लोरीन ए से रहेंगे, इस प्रकार 3 फ्लोरीन बोरोन के सराउंडिंग रहेंगे। और अगर हम इनको अगर हम देखें, अगर हम तुम्हें दिखाए तो ये एजा होगा, ये बोरोन, दैट इज बोरोन बीच में, और जो ब्लैक कलर का है वो 3 फ्लोरीन। तो ऐसे इस दुनिया में बोरोन ट्राइफ्लोराइड रहते हैं। तो ये तो होगा इसका डायग्राम। अगर कोई पूछे कि बोन एंगल के बारे में क्या कहना है, तो देखिए बोन एंगल भी हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द बोन एंगल, क्योंकि ये ना एक्सपेरिमेंटली ही निकालना पॉसिबल है, और हम तो लैब उठा के नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए हमको खाली से याद रखना है बस। तो बोन एंगल होगा 120 डिग्री। मतलब अगर हम इसको यहां पर शो करें तो ये एंगल 120 डिग्री होगा, ये एंगल 120 डिग्री होगा, और नीचे का ये एंगल भी 120 डिग्री होगा। बस तो ये तो हो गया AB3 टाइप से रिलेटेड, कुछ भी मॉलिक्यूल आए तो इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका शेप ऐसा रहेगा, डायग्राम डिटेल में शो किया, और बोन एंगल क्या होगा 120 डिग्री। बस अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप AB4। तो ए या यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया जो कि है सबको पता है मीथेन CH4। तो ए यहां पर कार्बन, बी यहां पर हाइड्रोजन, बी के नीचे 4, तो हाइड्रोजन के नीचे 4, सो ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू दिस टाइप AB4। तो अब अगर कोई भी मॉलिक्यूल लाइक CH4 AB4 टाइप से बिलोंग करता है तो उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम्स, दैट्स इट, टेट्राहेड्रल। और अगर हम इसे डायग्रामेटिकली शो करें तो ये होगा, बीच में रहेगा कार्बन और 4 हाइड्रोजन जो है ये कार्बन के सराउंडिंग में ऐसा रहेगा। ये मैंने एक डॉटेड लाइन से शो किया, एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, खाली एक बॉन्ड मैंने डॉटेड लाइन से शुरू किया, ये इसलिए क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन पीछे रहेगा, ताकि तुम लोग अच्छे से इसे इमेजिन कर पाओ, ये पीछे रहेगा और बाकी ये 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आगे रहेगा। जो आगे है वो हमने बोल्ड में शो किया और जो पीछे है वो हमने डॉटेड में शो किया। जैसे कि अगर हम दिखाए तो ये ऐसा होगा कार्बन, ये ऐसा होगा, जैसे कि कार्बन ये ब्लू कलर का कार्बन बीच में है और 4 हाइड्रोजन, ये वाला एक हाइड्रोजन, ये वाला एक हाइड्रोजन, ये वाला एक हाइड्रोजन,
और एक हाइड्रोजन यहां पर पीछे है, तो ये वाला ये हाइड्रोजन बस। तो ऐसा होता है CH4 in reality। अब अगर बॉन्ड एंगल के ऊपर सवाल उठाए गए तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, हर एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। तो याद रखने वाली बात यह है कि हर एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री बस। तो ये बॉन्ड एंगल हो गया AB4 टाइप का, जो कि एक एग्जांपल मैंने ले लिया CH4। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर जो कि AB5 है। तो यहां पर A, अगर मैंने एक एग्जांपल से ये दिखाऊं तो A फास्फोरस, B क्लोरीन, B के नीचे 5, Cl के नीचे 5, तो PCl5 belongs to type AB5। PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का शेप होगा ट्राइगोनल पाइरामिडल। हमको बस ये याद रखना है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर AB5 टाइप से बिलोंग करता है तो उस मॉलिक्यूल का शेप होगा ट्राइगोनल पाइरामिडल। और इसको हमने डायग्राम के लिए भी एक्सप्रेस किया ताकि अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ जाए। तो यहां पर ये होगा फास्फोरस, जो बीच में यहां पर है वो है फास्फोरस, ये वाली फास्फोरस। और जो दो क्लोरीन एक ऊपर एक नीचे, तो ये एक क्लोरीन ऊपर और फास्फोरस से नीचे दूसरा क्लोरीन, और यहां पर दो क्लोरीन इधर लेफ्ट में, तो ये वाला एक क्लोरीन, ये वाला एक क्लोरीन, और राइट में एक क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन। तो ये हो गया PCl5 का रियल लाइफ स्ट्रक्चर, मतलब PCl5 इस दुनिया में इस तरीके से ही एग्जिस्ट करता है। और अगर हम इसका बॉन्ड एंगल बोले तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा इसका बॉन्ड एंगल। क्यों? क्योंकि इधर अच्छे से तुम लोग देखो, ये जो तीन क्लोरीन है इसको यहां पर मैंने ऐसे मार्क किया क्योंकि ये एक प्लेन में होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा ये तीन क्लोरीन, तो ये रेड कलर से मैंने यहां पर डेजिग्नेट किया है। इस तीन क्लोरीन के बीच एंगल रहेगा ये वाला एंगल रहेगा 120 डिग्री। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में तीनों क्लोरीन के बीच एंगल बनेगा 120 डिग्री। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितना क्लोरीन है, वर्टिकल प्लेन के क्लोरीन के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, ये वाला या तो ये वाला या तो ये वाला या तो नीचे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब 90 डिग्री होगा। तो यहां से तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। तो यही बॉन्ड एंगल अगर हम यहां पर शो करें तो ये कैसा होगा, ये होगा, ये सब जो है ये वाला ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा 120 डिग्री, और जो ये वाला है वर्टिकल प्लेन के साथ जो है ये वाला या तो ये वाला, ये सब होगा 90 बस। ये चाहिए PCl5 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट टाइप में आएगा AB6, जो कि लास्ट टाइप AB6, और इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने ले लिया SF6। तुम लोग अच्छे से अगर नोटिस करोगे तो अच्छे से देख पाओगे, A यहां पर सल्फर, B यहां पर फ्लोरीन, और B के नीचे 6, तो फ्लोरीन के नीचे 6। SF6 belongs to this type AB6, और SF6 का नाम क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये AB6 टाइप से बिलोंग करेगा। और अगर कोई भी कंपाउंड्स, कोई भी मॉलिक्यूल लाइक SF6 AB6 से बिलोंग करेगा तो उस मॉलिक्यूल का शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। सो ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, ऑक्टाहेड्रल, दैट इज द शेप ऑफ टाइप AB6। और इसी SF6 को हम अगर दिखाए, कोई भी मॉलिक्यूल AB6 से बिलोंग करेगा उसका शेप इस तरीके से होगा। तो सुविधा के लिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो येलो कलर का है,
ये है S, जो बीच में यहाँ पर मैंने दिया सल्फर, ये वाला सल्फर येलो कलर। और जितना भी फ्लोरिन मैंने ले लिया था, जैसे कि ये फ्लोरिन ऊपर का और नीचे का, ये फ्लोरिन ऊपर का, ये फ्लोरिन ये, नीचे का ये फ्लोरिन ये, और बाकी जो चार फ्लोरिन यहाँ पर है, लेफ्ट में दो राइट में दो, तो ये वाला ये, लेफ्ट में दो राइट में दो, बस इस तरीके से SF6 दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। और यहां पर भी ये जो प्लान है इधर, ये वाला प्लान जो चार यहां पर F फ्लोरिन यहां पर ऐसे है, तो ये प्लान को हम बोलेंगे हॉराइजॉन्टल प्लान। क्यों? क्योंकि ये हॉराइजॉन्टली लाइन कर रहे हैं, इसीलिए इस प्लान को बोला जाएगा हॉराइजॉन्टल प्लान। और यहां पर हॉराइजॉन्टल प्लान का फ्लोरिन एंड वर्टिकल प्लेन का फ्लोरिन के बीच हमेशा 90 डिग्री ही होगा, ये इसकी तरह नहीं है, अलग अलग एंगल शो करेगा। यहां पर एक ही बोन एंगल होगा, वो है 90। तो मतलब इन दो फ्लोरिन के बीच बीच के एंगल में 90 डिग्री, जो वर्टिकल एक हॉराइजॉन्टल में है। और अगर हम हॉराइजॉन्टल प्लेन का दो फ्लोरिन लो, मान लो कि ये एक, इन दोनों फ्लोरिन के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, तो यहां पर कोई भी झंझट नहीं है। कोई भी एंगल, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो फ्लोरिन है, इस दोनों फ्लोरिन के बीच का एंगल 90 डिग्री, और अगर हम वर्टिकल प्लेन के साथ रिलेट करें, ये फ्लोरिन वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री एंगल ही एग्जिस्ट करेगा। तो हमने सारा का सारा टाइप जो है ये हमने कर लिया है। तो बेसिकली 5 टाइप्स हैं, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर रखा, शेप भी रखा, जो कि यहाँ इस टॉपिक का मेन मुद्दा है, और साथ साथ मैंने इसको डायग्राम भी हर एक का शो किया विथ बोर्ड। बस इतना ही क्लास 11 के लिए काफी है, जो कि आज हमने आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल रिमेंबर दिस चार्ट। और ये चार्ट जो है इसको याद रखना ही है, जैसे जैसे घर में प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, चार्ट सब कुछ याद होना चाहिए, दैट इज ए टू जेड चार्ट। शेप के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ये इसी चार्ट से आएगा। और ये यहाँ पर एक कंडीशन है, ये जितना भी मैंने मॉलिक्यूल्स लिखा यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, और अगर कोई लोन पेयर अगर किसी कंपाउंड में किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर है तो उसका शेप ये नहीं होगा, ये अलग होगा, ये बिना लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल्स। अगर लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल्स आ जाए तो इसको हम अपना नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। हमें प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो और इसको याद रखो।